বাবুদেব জো পিএসসি মাহোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল ये कैसे होगा सर? कैसे हैं आप सभी? मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। यूट्यूब चैनल में मेरे द्वारा जो प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसे आप लैंग्वेज मंत्रा कहते हैं, आज शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ ही बोली है कि भाषा है, सबसे पहले हम इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई बोली संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित रूप में अपना एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं करती है, तब तक उसे हम भाषा के तौर पर हम पहचान नहीं दे सकते। छत्तीसगढ़ की यही तो खासियत है कि इसकी लिपि तो है जो देवनागरी का प्रयोग करती है, इसमें साहित्यिक रचनाओं का प्रयोग तो हुआ 19वीं शताब्दी में, साथ ही यहाँ पर तमाम प्रकार की विधाओं में छत्तीसगढ़ी साहित्य की रचनाएं हुई, व्याकरणिक नियमों के अनुसार व्याकरणिक किताबों को लिखा गया और प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा में छत्तीसगढ़ी भाषा को विशेष तौर पर स्थान जो है वो लैंग्वेज के अंतर्गत दिया गया, परंतु आज भी संवैधानिक दर्जा ना प्राप्त होने की वजह से इसे एक बोली के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया जा चुका है, छत्तीसगढ़ी के लिए उसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम भी प्रयोग होते हैं, कुछ उनके उद्देश्य हैं, परंतु उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अब तक इसे 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ को हम बोली के नाम से पुकारते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ ही बोली। कहा जाता है कि 1885 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मुंशी हीरालाल, जिनको बचपन से साहित्य के प्रति रुचि थी, इसलिए बहुत ही कम उम्र में उन्होंने साहित्यिक रचनाओं के रुझान लगाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने कलकत्ता के स्कूल के लिए प्रार्थना गीत लिखे थे, तब कलकत्ता के लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें काव्योपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया और वह मुंशी हीरालाल कहलाने लगे, मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय। 1885 में देवनागरी लिपि का प्रयोग करके इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण, बशर्ते इन्होंने बहुत ख्याल रखा था कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत क्षेत्रीय विविधता है और किस क्षेत्र में किस शब्द को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि जब इस किताब को सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पढ़ा, वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जहां पर कि कृषक वर्ग का व्यक्ति निवास करता है, वहां एक व्याकरण का लिखा जाना, वो भी 1885 के समय में, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने लोचन प्रसाद पांडे की मदद से उसे अंग्रेजी में अनुवाद कराया और अनुवाद करा के कलकत्ता के बैप्टिस्ट मिशन प्रेस में छपने के लिए भेज दिया। कलकत्ता की एक शोध पत्रिका निकलती थी जिसके एक भाग में यह छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण प्रकाशित होकर आया था, अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट के नाम से। इसी का 1921 में मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय की इस रचना को 1921 में लोचन प्रसाद पांडे ने आपके किताब का परिवर्तन कर दिया और नाम दिया अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ हिंदी के नाम से। और कहते हैं ना कि मैं तो अकेला चला था मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए बहुत सारे छत्तीसगढ़ के भाषाविद, जिनमें नरेंद्र देव वर्मा हो, चाहे हमारे लिए शंकर शेष हो, बहुत सारे भाषाविदों ने छत्तीसगढ़ी बोली भाषा पर कार्य किया है। तो आज के अंतर्गत, आज से शुरू होने वाली है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के अंतर्गत व्याकरणिक हिस्सों को लेकर। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, इसका नामकरण कैसे पड़ा और इसमें कितने भाषा परिवार के प्रयोग किए जाते हैं। तो कोस कोस मा बदले पानी, चार कोस मा बानी कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य की खासियत है
यह जितने राज्य के सीमा दायरे को छूता है उतने राज्य की बोली भाषा से प्रभावित होता है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है जो दिखाई देता है समुद्री घोड़े की तरह, अगर हम इसके उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए बघेली और बुंदेली का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो महाराष्ट्र की मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो तेलंगाना और आंध्र से गोड़ का प्रभाव देखने को मिलता है द्रविड़ भाषा का। और पूर्व का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य की सीमा को छूता है तो वह उड़ीसा, इसलिए पूर्वी क्षेत्र की ओर उड़िया का प्रभाव है। अगर हम आपके उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो बिहार की भोजपुरी का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। इसलिए छत्तीसगढ़ का आज भी मानकीकरण किया जा रहा है, लेकिन मानक रूप के लिए छत्तीसगढ़ में हम रायपुर और आपकी कवर्धा राजनांदगांव की तरफ की छत्तीसगढ़ी को मानक तो मानते हैं, परंतु विशेष तौर पर देखा जाए तो रायपुर के छत्तीसगढ़ी को मानक माना जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि प्रशासनिक कार्यों का संपादन प्रथम राजभाषा हिंदी में की जाती है, परंतु यहां पर संविधान ने कहा है कि कोई भी राज्य में यदि कोई व्यक्ति अपना शपथ ग्रहण करता है तो उस समय चाहे तो अपनी राजकीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए अगर वह प्रांतीय बोली में भी कर सकता है, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जितने भी मंत्री हैं यदि शपथ लेते हैं या किसी भाषण को देते हैं अपना अभिनंदन अगर किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं तो छत्तीसगढ़ ही के मानक स्वरूप का इस्तेमाल वो जो करते हैं। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत प्रयोग होने वाली विविध प्रकार की बोली की वजह से छत्तीसगढ़ ही मुख्य बोली है, परंतु इसके अंतर्गत तमाम प्रकार के भाषा परिवार की वजह से यहां अलग अलग प्रकार के उप बोलियां प्रयोग की जाती हैं। तो चलते हैं यहां कि छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव कहां से हुआ, इसका नामकरण कैसे पड़ा और इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कितने भाषा परिवार के प्रयोग हैं और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ को वाल्मीकि कृत रामायण में पुकारा गया है, क्या इसे उत्तर कोशल कहा गया, क्या इसे दक्षिण कोशल कहा गया, कि क्या इसे प्राकोशल कहा गया है, कि ए और बी दोनों। तो कहने की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य को एक समय अलग अलग नाम से पुकारा था। यह छत्तीसगढ़ राज्य जो कौशल राज्य के नाम से पुकारा जाता था, इसे छत्तीसगढ़ की प्राचीन बोली कोसली कही जाती है। ये कौशल क्षेत्र अगर देखा जाए तो उत्तर से कौशल तक यानी कि उत्तर से दक्षिण तक वृहत आकार का होने की वजह से इसे आपके नाम के आधार पर इसे महाकोशल की उपाधि से पुकारा गया था। इस क्षेत्र में उत्तर कोशल यानी कि जो सरयू नदी के आसपास था इसे हम अवध या अयोध्या के नाम से पुकारते हैं और दक्षिण का हिस्सा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल दोनों के नाम से इसे पुकारा जाता था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र निम्न में से नहीं है, सरदा, लवन, अकलतरा और पंडरभाठा। आप कहेंगे कि मैम आप तो जीएस का क्वेश्चन उठा के बैठी हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इसका नामकरण कैसे पड़ा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के नामकरण को अगर कहते हैं तो इसके नामकरण का आधार क्या है। छत्तीसगढ़ का नामकरण जो है यहां प्राप्त 36 प्रकार के गढ़ की वजह से माना जाता है और छत्तीसगढ़ की खासियत रही है कि छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के गढ़ की प्राप्ति होने की वजह से इसे छत्तीसगढ़ के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभिलेख और प्रशस्ति पत्र जो भी प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार हमेशा इसे कौशल राज्य के नाम से पुकारा जाता था। उत्तर के भूभाग को उत्तर कौशल और दक्षिण के भूभाग को दक्षिण कौशल कहा जाता है। पाणिनि के अनुसार भी कहा गया है कि इसे कौशल राज्य के नाम से ज्यादातर पुकारा जाता था और कालिदास के द्वारा जो रघुवंश सार लिखा गया है उसके अनुसार भी इसे कौशल राज्य के नाम से पुकारा जाता था। दूसरी बात कि कालिदास के समय में जो हमारे लिए भारत में अवध का हिस्सा था उसे उत्तर कोशल कहते थे और छत्तीसगढ़ ही जो महाकोशल कहलाता है इसे ही दक्षिण कोशल के नाम से पुकारा जाता था। जो इलाहाबाद का जो हर्षण लिखित प्रशस्ति पत्र प्रयाग में है उसमें भी इसे कोशल राज्य के नाम से पुकारा जाता था। महाभारत हो या हरिवंश पुराण हो यहाँ इसे प्राकोशल के नाम से पुकारा जाता था। पुरातत्ववेत्ता जो अलिंग आपके करलिंगम जो आपके अलेक्जेंडर
निगम थे उन्होंने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पेश करी थी तो उनके अनुसार उन्होंने बताया कि इस राज्य में उत्तर से दक्षिण विस्तृत भूभाग होने के कारण इसमें एक उपाधि दे दी गई महा की और इस राज्य को महाकौशल के नाम से पुकारा गया था और इस वजह से छत्तीसगढ़ की प्राचीन बोली क्या है कहते हैं तो कोसली कहा जाता है। इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस राज्य को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि नामकरण के अंतर्गत इसको किस नाम से होता था। तो सुनेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इस छत्तीसगढ़ राज्य का उल्लेख 1510 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करी थी तो उन्होंने भी छत्तीसगढ़ राज्यों का उल्लेख किया था। गोपाल मिश्र जो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहलाते हैं उनका कहना था कि बसे छत्तीस कूरी सब दिन के अठवार बनवारी सब सबके। इसी प्रकार बाबू रेवाराम जिन्होंने विक्रम विलास की रचना की थी उनके द्वारा कहा गया था और कूरी छत्तीस है जहां रूप राशि गुणपुरत तहां। इस प्रकार देखा जाए तो देखते कि छत्तीस प्रकार के गढ़ को किस रूप में बांटा गया। रतनपुर जो शिवनाथ नदी के उत्तर में है उसके अंतर्गत आते हैं रतनपुर मारो विजयपुर खरौदगढ़ कोटगढ़ नवागढ़ सोंठीगढ़ ओखरगढ़ पंडरभाटा सेमुरियागढ़ मदनपुर लाफागढ़ कोसकागढ़ केंदागढ़ मातिनगढ़ उपरोड़ागढ़ कंडरी और करकट्टी। लेकिन जो शिवनाथ नदी के दक्षिण में है यानी कि रायपुर का हिस्सा इसके अंतर्गत आते हैं रायपुर पाटन सिमगा सिंगारपुर लवन अमीरा दुर्ग सरदा सिरसा और आता है मोहदी खल्लारी सिरपुर फिंगेश्वर राजिम सिंगनगढ़ सुअरमार टेंगनागढ़ और अकलतरा। इसलिए देखा जाए तो शिवनाथ नदी के उत्तर में रहे 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के में रहे दक्षिण में रहे 18 गढ़ और 18 और 18 गढ़ को मिलाकर छत्तीसगढ़ के होने की वजह से इसकी प्रमाणिकता है नहीं इस राज्य को छत्तीसगढ़ के नाम से पुकारा है। तो प्रश्न ने क्या पूछा है कि शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र इनमें से कोई नहीं है तो सरदा लवन अकलतरा और पंडरभाटा कहता है। तो यहां पर देखा जाए तो हमारे लिए इसके अंतर्गत कौन सा उत्तर आएगा तो जो पंडरभाटा है यह आपके रतनपुर के अंतर्गत आता है शिवनाथ के दक्षिण में आपका स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है गोंडी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अब है कि भारत में हम चार प्रकार की भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं तो क्या छत्तीसगढ़ में भी भाषा परिवार है। जी हाँ जब किसी भाषा का जन्म एक मूल भाषा से होता है तब उसे भाषा परिवार कहा जाता है। पूरे विश्व की भाषाओं में अगर बात की जाए तो मैंने हिंदी में समझाया था कि पूरे विश्व में लगभग 7000 प्रकार की भाषाएं हैं जिसके अंतर्गत बोलियां हैं और उन बोलियों के अंतर्गत उपबोलियों के प्रयोग किए जाते हैं। उन 7000 प्रकार की भाषाओं में से 2000 आपका 796 से लेकर 3000 प्रकार की भाषाएं जो है प्रमाणित मानी जाती है जिसका प्रयोग व्यक्ति जो है वो प्रमाणिक तौर पर करता है। उनमें से 400 भाषाएं लिखी जाती है जिसमें से 40 लिपि का प्रयोग उन 400 भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है परंतु मौखिक तौर पर 7000 प्रकार की भाषा बोलियों उपबोलियों के साथ में प्रयोग की जाती है। तो इन्हीं भाषाओं का जन्म जब एक मूल भाषा से होता है तब उसे भाषा परिवार कहा जाता है। पूरे विश्व की भाषाओं को हम आकृति मूलक में परिवार मूलक में बांटते हैं। इसी प्रकार महाद्वीपीय आधार पर भूखंड के आधार पर भी इसका महासागरीय आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था जो सन 2000 में पृथक होने से एक अलग राज्य के नाम से उभर कर आया है। तो जितने भी प्रभाव भारत में भारतीय भाषाओं के अंतर्गत है उनका ही प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे बड़ी भाषा परिवार भारत में भारतीय है लेकिन दूसरी भाषा परिवार हमने कहा था आग्रेय आस्ट्रो एशियाटिक और आपके इसी भाषा परिवार को छत्तीसगढ़ के परिवार में मुंडा भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर हम भाषा परिवार की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो आस्ट्रिक भाषा परिवार है यानी कि भारत के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा परिवार जिसमें बोली की प्रमुखता होती है ऐसे भाषा परिवार को मुंडा भाषा परिवार कहा जाता है जिसे आस्ट्रो एशियाटिक या हम इसे आपके प्रयोग के तौर पर करते हैं तो आस्ट्रो एशियाटिक कह सकते हैं या आग्रेय या आग्नेय भाषा परिवार कहते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर
मध्य और पूर्वी क्षेत्र की वजह से छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ मुंडा भाषा जैसे आग्नेय भाषा परिवार कहते हैं, इसके आपके दो हिस्से हैं। प्राक मुंडा का मतलब होता है प्राचीन समय में जो मुंडा भाषा परिवार थे, इसमें एक दक्षिणी हिस्सा और एक हमारे लिए उत्तरी हिस्सा। तो प्राक दक्षिणी मुंडा के अंतर्गत बस्तर आता है क्षेत्र और आपका मध्य मुंडा। तो गदबा और खड़िया ये दक्षिणी के अंतर्गत आते हैं। जो गदबा जो है वो बस्तर मुंडा में और खड़िया जो है वो मध्य मुंडा के तरफ पर प्रयोग की जाती है। दूसरा, प्राक उत्तरी मुंडा के दो हिस्से हैं। उत्तरी मुंडा जिसके अंतर्गत कोरकू, मवासी और निहाली आते हैं, और खैरवारी जिसके अंतर्गत कोरहा व और विदहो आता है, कोरवा और विदहो। इसी विदहो में नगेसिया, सौता या तूरी, मांझी, मंझवार और खैरवारी इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी बड़ी भाषा परिवार छत्तीसगढ़ के अंदर है जो है द्रविड़ भाषा परिवार। अब आप कहेंगे कि दक्षिण भारतीय भाषाओं को प्रयोग करने के लिए होने वाले भाषा परिवार को हम द्रविड़ भाषा कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा तीन तरफ से घिरा हुआ है। पश्चिम की ओर से मराठी का प्रभाव है, पूर्व की ओर से उड़िया का प्रभाव है, तो दक्षिण से द्रविड़ भारती की गोड़ का प्रभाव देखने को मिलता है। तो गोड़ और उराव यानी कि प्राक द्रविड़ की बात करें तो दक्षिणी और केंद्रीय द्रविड़ जहां पर गोड़ समूह है, इस गोड़ समूह में दोरली, दंडामी, माड़िया, मुड़िया और अबुझमाड़िया आते हैं, और केंद्रीय द्रविड़ में परजा या धुरवा जैसे परजे या धुरवी कहते हैं, और उत्तरी द्रविड़ में कुड़ुक या उराव आता है। इसी प्रकार देखा जाए तो भारतीय आर्य भाषा का भी प्रभाव छत्तीसगढ़ ही में देखने को मिलता है। अब भारतीय आर्य भाषा में क्या है? भारत से आया संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं का प्रभाव। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ी में संस्कृत का प्रभाव कैसे? दाड़िमम जो आप पोमीग्रेनेट यानी अनार को कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, उसे दड़मी कहा जाता है। जो हमारे लिए प्रयोग होता है अम्बली का यानी कि इमली, छत्तीसगढ़ी में अम्ली कहलाती है। हरिद्रा जो हल्दी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, वो हरदी कहलाती है। इसी प्रकार आर्द्रकम से आदा बन जाता है, और इसी रूप में देखा जाए तो संस्कृत का प्रभाव छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत जशपुर में जो फनसह जैक फ्रूट यानी कटहल को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी में फनस के नाम से पुकारा जाता है। ये तो हुआ संस्कृत का प्रभाव। यूरोपियन भाषाओं में से क्या यूरोपियन भाषाओं के अंतर्गत जो हमारे लिए मुगल शासकों की देन है, जो प्रयोग किया जाता है प्रशासकीय कार्यों में, और उसी प्रकार अंग्रेजी हुकूमत की देन से जो प्रयोग किए जाते हैं उसके भी प्रयोग छत्तीसगढ़ी भाषा में? लगान, खसरा, बंदोबस्त, नायब, तहसील। अब तहसील से हो गया तहसील, कचहरी से बन गई कचहरी, वकील से बन गया वकील, फैसला से बन गई फैसला, दर्जी से बन गया दर्जी, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम क्या कहते हैं, कोर्ट से बन गया कोरट, है ना, कोर्ट से बन गया कोरट, फॉर्म से बन गया फार्म, हॉस्पिटल से बन गया अस्पताल, और पैसेंजर से बन गए पछिंदर, ठीक है। और इसी तरह देखा जाए तो आर्य भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अब आर्य भाषा में छत्तीसगढ़ी का स्थान कहाँ है, तो ध्यान से समझेंगे कि प्राचीन आर्य भाषा की बात की जाए तो हमारे भारत की आर्य भाषा को तीन हिस्सों में बांटा गया। एक तो बांटा गया था हमारे लिए प्राचीन आर्य भाषा, जिसमें रही हमारे लिए संस्कृत। इस संस्कृत के दो रूप थे, एक तो थी हमारे लिए वैदिक संस्कृत और एक रही हमारे लिए लौकिक संस्कृत। जब मध्यकालीन आर्य भाषा में बांटा गया तो यह पाया गया कि मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत मध्यकालीन आर्य भाषा में स्वयं के द्वारा कृत एक भाषा थी जिसे प्राकृत कहा गया। प्राकृत का पहला रूप माना जाता है पाली भाषा को। इस स्वयं पाली के बाद में प्राकृत की एक शाखा हुई जिसे अपभ्रंश कहा जाता है। इसी अपभ्रंश के सात हिस्से हुए, जिसमें से अगर देखा जाए तो पश्चिम की ओर शौरसेनी, पूर्व की ओर मागधी, और पश्चिमी शौरसेनी और पूर्वी मागधी के बीच में एक विवादित क्षेत्र जिसे पश्चिमी शौरसेनी से ज्यादा प्रभाव पूर्व की मागधी का था, जिसे नाम दिया गया अर्ध मागधी का। और इसी अर्ध मागधी ने हिंदी के पांच वर्गीकरण में जन्म दिया पूर्वी हिंदी को, जहां बोलियों के तौर पर अवधी के साथ में छत्तीसगढ़ी और बघेली को रखा गया। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ी का जन्म अवधी और बघेली के साथ में नौवीं सदी का माना जाता है। और सबसे ज्यादा अवध का दक्षिणी हिस्सा होने की वजह से ये अवध राज्य जो कोसल के नाम से पुकारा जाता था, तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन बोली कोसली हो गई।
और छत्तीसगढ़ पर बोली भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव अवधि भाषा का माना जाता है, लेकिन चूंकि बघेलखंड और बुंदेलखंड के सीमा को छूता है, इसे छत्तीसगढ़ी में जो वर्ण रूपांतरण है और शब्द के प्रभाव है यह अवधि बघेली से प्रभावित माना जाता है। दूसरी बात बेटा कि मागधी की बात की जाए तो जैसे मैंने मैप में बताया कि उत्तर पूर्व की अगर देखा जाए तो बिहार का क्षेत्र का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में प्रभाव है, तो मागधी जिसमें पूर्व की ओर से उड़िया उड़िया की भतरी का प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिलता है, साथ ही हम भोजपुरी का प्रभाव भी यहाँ से प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ विशेष जाति है जो निवास करती तो पिजनीकृत कहा जाएगा, जहां हलबा जो यहाँ आर्यों की तरह प्राचीन समय से रह रहे हैं, इसी प्रकार सदरी अगर कहा जाए तो ये विजनीकृत में या पिजनीकृत में माना जाता है। लेकिन एक छोटा सा क्षेत्र है हमारा सरगुजा का मैन पार्ट, तो वहां पर हमारे लिए एक विशेष भाषा परिवार इस्तेमाल की जाती है जो आपके सरगुजा का मैन पार्ट है, यानी कि वहां पर चीनी तिब्बती का प्रभाव देखने को मिलता है जो हमारे लिए सरगुजा के मैन पार्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो सरगुजा के मैन पार्ट में चौथी छोटी भाषा परिवार जो इस्तेमाल होती है जिसे चीनी तिब्बती परिवार कहा जाता है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि हमारे गोंडी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, क्या ये इंडो आर्यन है, इंडो आर्यन मतलब कि हमारे लिए भारोपीय हो जाता है, द्रविड़ियन यानी कि दक्षिण भारतीय मतलब द्रविड़ भाषा हो जाता है, ऑस्ट्रेलाइड यानी कि मुंडा भाषा हो जाता है और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहता है तो ये भी मुंडा भाषा है। तो गोंड किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो गोंड समूह जिसमें आपकी दोरली दंडामी माड़िया मुड़िया अबुज माड़िया आते हैं ये द्रविड़ियन के अंतर्गत आता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ी का उद्भव किससे हुआ है, पूर्वी हिंदी के मागधी अपभ्रंश से कि पूर्वी हिंदी के शौरसेनी अपभ्रंश से कि पूर्वी हिंदी के अर्ध मागधी अपभ्रंश से कि शौरसेनी तथा ब्राचड़ के अपभ्रंश से। अभी मैंने बताया कि अपभ्रंश की जो शाखा थी, अपभ्रंश की शाखाओं में पश्चिम की ओर व्याप्त थी हमारे लिए शौरसेनी, इसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी आती थी, ब्रजभाषा बुंदेली बांगरो खड़ी बोली राजस्थानी ये सभी हमारे शौर सैनी के अंतर्गत आती थी। पूर्व की ओर थी हमारे लिए मागधी, इसके अंतर्गत बिहारी उड़िया असमिया बांग्ला आते थे। इसी पश्चिमी शौर सैनी और मागधी के बीच में एक ऐसा विवादित क्षेत्र था जो अर्ध मागधी के नाम से पुकारा जाता था क्योंकि शौर सैनी से ज्यादा प्रभाव मागधी में देखने को मिलता था। इसी मागधी ने जन्म दिया पूर्वी हिंदी को, तो पूर्वी हिंदी के अर्ध मागधी अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव हुआ है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रयुक्त नियम किस भाषाओं के द्वारा प्रभावित है, क्या ये मराठी से उड़िया से अवधी से या बांग्ला से। अब देखिए चूंकि महाराष्ट्र के बॉर्डर को छूता है इसलिए दुर्ग राजनांदगांव धमधा होते हुए अगर हम जाते हैं कवर्धा इधर जाते हैं तो मराठी का मिक्सअप शुरू हो जाता है, अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं तो उड़ीसा राज्य से प्रभावित होने के कारण उड़िया का मिक्सअप हो जाता है, वो तो मिक्सअप है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी छत्तीसगढ़ राज्य अवध का दक्षिणी हिस्सा है, उत्तर से दक्षिण अवधि के प्रभाव होने की वजह से सबसे ज्यादा इसमें जो नियम प्रयोग किए जाते हैं वह अवधी भाषा के क्रिया जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अवधी भाषा क्या, ये अवधी जिसका प्रयोग अवध प्रांत के अंतर्गत किया जाता था, तो कहने का मतलब है कि अवध प्रांत के अंतर्गत प्रयोग होने की वजह से इसे अवधी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अगर हम अवधी की बात कर रहे हैं तो ये अवधी जिसका इस्तेमाल किया जाता है अवध में सुल्तानपुर बाराबंकी कानपुर बहराइच सीतापुर कहा जाता है, इधर इसका इस्तेमाल जो है विशेष तौर पर किया जाता है, यानी कि आपका फतेहपुर इलाहाबाद जौनपुर बाराबंकी सुल्तानपुर कानपुर बहराइच है ना, ऐसे कुछ क्षेत्र में, यहां तक कि बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्र में इस अवधि का इस्तेमाल जो है देखने को मिलता है। साहित्यिक जगत के क्षेत्र में यह अवधि भाषा मध्यकाल की सबसे बड़ी साहित्यिक भाषा थी जिसका प्रयोग सगुण और निर्गुण शाखा में, तो सगुण मार्ग के अंतर्गत तुलसीदास के द्वारा जिसमें हमारे संस्कृत प्रभावी शब्द का उसमें प्रभाव था, और वही मलिक मोहम्मद जायसी जो निर्गुण मार्गी कवि थे उनके द्वारा ठेठ ग्रामीण परिवेश वाले शब्द का प्रयोग अवधि के अनुसार उसमें किया गया था। और कुल मिलाकर कहा जाए तो यह अवधि के जो नियम है
कि वर्ण अक्षर रूपांतरित हो जाते हैं, संयुक्त अक्षर टूट जाते हैं, उन्हीं का विशेष प्रभाव छत्तीसगढ़ी भाषा में देखने को मिलता है। और यही वजह है कि आपके दक्षिण हिस्सा होने की वजह से आज का जो दक्षिण कौशल है इस पर अवधि का विशेष प्रभाव है। तो यहाँ जो वर्ण अक्षरों के रूपांतरण, संयुक्त अक्षर का टूट जाना, वर्ण परिवर्तन, ये सारे नियम हैं जो अवधि भाषा से प्रभावित हैं। लेकिन हाँ, मराठी और उड़ीसा के जो महाराष्ट्र और उड़ीसा के बॉर्डर के पास जो व्यक्ति रहवास करता है उसमें मराठी का फ्लेवर शब्दों का देखने को मिलता है। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाती जाऊंगी लेक्चर, उसमें सारी चीजें कवर होंगी। अगर आपको इससे डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो एक लिंक नजर आ रहा होगा, यदि आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको वहां पर प्राप्त होंगे, जहां आपकी सारी मन की दुविधाएं जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ MCQ के माध्यम से उसे शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु अगर बहुत डिटेल में जानना है बेटा तो जो लिंक दे रहा होगा उसमें आप जाएंगे तो सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, किस साहित्यकार के द्वारा इस राज्य का नाम चेदिशगढ़ कहा गया था? क्या वो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, क्या वो मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय है, कि अलेक्जेंडर कर्निंगम है, कि आपके पंडित गोपाल मिश्र है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण को लेकर अलग अलग पक्ष थे। खूब तमाशा की रचना जब गोपाल मिश्र ने करी थी तो उन्होंने भी इस राज्य का उल्लेख किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने जब पद्मावत की रचना की थी उसके दोहे में भी इस राज्य का उल्लेख था। इवन विक्रम विलास के रचनाकार बाबू रेवाराम के द्वारा भी इस राज्य का उल्लेख वहां पर किया गया था। जब मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय थे तो उन्होंने जब अपनी बात रखी तो मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय ने कहा कि चूंकि इस राज्य पर चेदिश शासकों का वंश था, चेदिश शासक जो थे, इसलिए कुछ जगहों पर इसे चेदिशगढ़, चेदिश्यगढ़ या चेदिश्य संवत के नाम से पुकारा जाता था, ऐसा कहना है मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय का, परंतु यह बात प्रमाणित मानी नहीं जाती है। लेकिन चूंकि हम महाभारत का काल देखें या हरिवंश पुराण देखें या कालिदास की रचना रघुवंश सार देखें, हमेशा इस राज्य को कोसल राज्य के नाम से पुकारा, कभी उत्तर कोसल, कभी दक्षिण कोसल, तो कभी प्राक कोसल के नाम से पुकारा था। इसके नामकरण को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि द्वापर युग में जब जरासंध का वध हुआ था तो 36 प्रकार के दलित वर्ग के व्यक्ति इस राज्य में शरणागत हुए, उन्होंने अपने लिए घर का निर्माण किया, वही 36 घर गिनती से छत्तीसगढ़ के नाम से कालांतर में प्रभावित माना जाता है। कुछ लोग कहते कि अधिष्ठान पर्वतमाला से घिरी हुई थी और अधीश को ही अधीशी कहा, वही कालांतर में अधीश से छत्तीस बना और छत्तीसगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। परंतु सब ने कहा यह एक ऐसा राज्य है जहां 36 प्रकार के क्षत्रिय शासक आए और अपने शासन काल में उन्होंने यहां रहते हुए एक गढ़ का निर्माण किया और 36 क्षत्रिय शासकों के द्वारा निर्माण जो आपके अधीन जो आपके जो गढ़ थे उसकी गिनती की वजह से छत्तीसगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि गोपाल मिश्र ने भी छत्तीसपुरी कहा, बाबू रेवाराम ने भी बसे छत्तीसपुरी करके उन्होंने कुरी मतलब कि घर यानी कि गढ़ का वर्णन किया और इस राज्य को छत्तीसगढ़ के नाम से पुकारा गया। जैसे दो हिस्से में बांट दिया कि रतनपुर के अधीन 18 गढ़ और आपके रायपुर के अधीन 18 गढ़ से दोनों को मिलाकर 36 प्रकार के गढ़ से इस राज्य का नामकरण हुआ। तो चेदिशगढ़ कहने वाले साहित्यकार काव्योपाध्याय ने उनके द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन, आर्य भाषा मागधी की किस बोली का प्रभाव छत्तीसगढ़ी भाषा में है? क्या बिहारी का, क्या उड़िया का, क्या असमिया का, या आपकी बांग्ला का? अब मागधी के अंतर्गत क्या आती है? मागधी के अंतर्गत हमारी बिहारी आती है, उड़िया आती है, बांग्ला और असमिया आती है। अब देखा जाए तो उत्तर पूर्व की ओर थोड़ा सा बिहार की भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है सरगुजा अंबिकापुर की तरफ, लेकिन पूर्ण तौर पर देखा जाए तो उड़िया का प्रभाव सबसे ज्यादा लरिया मिश्रित छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्वी सीमा में देखने को मिलती है। यानी कि आर्य भाषा मागधी की किस बोली का प्रभाव छत्तीसगढ़ी भाषा में है तो वो है हमारे लिए उड़िया। लेकिन बांग्ला से उड़िया में आया और उड़िया से छत्तीसगढ़ी में भी प्रभावित है, लेकिन बांग्ला के कुछ शब्द हैं परंतु सबसे ज्यादा उड़िया का प्रभाव है। उड़िया संबंधी शब्दों में अगर देखा जाए तो न जाने कितने शब्द हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रयोग होते हैं। हम जय जोहार कहते हैं उड़ीसा का शब्द है, बेंगवा यानी कि मेचका जो मेढक को कहते हैं, बड़े वाले मेढक को जो भिंदोल कहते हैं, तो कका बुढ़वा अगर कहते हैं, लाड़ू कहते हैं, दलिया कहते हैं, बिहाव कहते हैं, कादो कहते हैं, चिखला कहते हैं, इवन कोढ़िया कहते हैं,
है ना। बहुवचन के लिए हम मने शब्द का मन परिवर्तन करते हैं, ये सारे शब्द उड़िया से प्रभावित माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोरवा के अंतर्गत आने वाली उपबोली निम्न में से कौन है, सौता, मांझी या विदहो या ए और बी दोनों। तो मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था कि कोरवा के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। तो कोरवा अगर हम कह रहे हैं तो कोरवा के अंतर्गत देखिए, तो इस कोरवा के अंतर्गत हमारे लिए आते हैं आपके कौन कौन से, जो विदहो, आपके नगेसिया, सौता, मांझी, मंझवार, खैरवारी। तो देखने वाली बात है कि प्राक मुंडा के अंतर्गत जो खैरवारी है उसमें है कोरवा और विदहो। इसी में विदहो के अंतर्गत नगेसिया, सौता, मांझी, मंझवार और खैरवारी आते हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रश्न ने क्या पूछा है, प्रश्न ने पूछा है कोरवा के अंतर्गत आने वाली उपबोली निम्न में से कौन है, तो सौता, मांझी, विदहो कह रहा है। तो यहां पर हमारे लिए क्या आएगा, आपका मांझी और विदहो, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कौन से छत्तीसगढ़ी की उपबोली नहीं है, बैगानी, देवार, सदरिया, लोधांती। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भाषा परिवार में, मुंडा भाषा परिवार में क्या है, गदबा, खड़िया, कोरकू, ममासी, निहाली, खैरवारी, विदहो, नगेसिया, सौता, मांझी और मंझार, मंझवार, ये हमारे लिए किसमें आते हैं, आपके मुंडा भाषा परिवार में। दोरली, दंडामी, माड़िया, मुड़िया, अबुझमाड़िया आता है गोड़ समूह में, परजाया, धुरवा, कुड़ुक या उराव, ये आते हैं आपके द्रविड़ भाषा के अंतर्गत। तो कौन सी छत्तीसगढ़ की उपबोली नहीं है, तो छत्तीसगढ़ ही बेटा मुख्य बोली है, इसके अंतर्गत भाषा परिवार में से अगर देखा जाए तो द्रविड़ भाषा और मुंडा भाषा की बोलियों को उपबोली कहा जाएगा। तो बैगानी, देवार और सदरी कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रयोग होती है। अब देखिए कितने प्रकार की बोलियां हैं छत्तीसगढ़ में, कोई व्यक्ति अपने स्थान को प्रभावित मानता है तो हम देखा जाए तो रतनपुरी, रायपुरी अगर कहते हैं, बिलासपुरी कहते हैं, जशपुरी कहते हैं, सरगुजिया कहते हैं, बस्तरी और कांकेरी कहते, तो स्थान को प्राथमिकता है। उसी प्रकार होती है हमारे लिए जातिगत, जातिगत में अगर देखते पंडो, पनकी, मरारी, सतनामी कहता है, उसी प्रकार बिंझवारी कहता है, बैगानी कहता है, देवार कहता है, जाति के आधार पर है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बाह्यगत प्रभाव से प्रभावी है, जैसे कि आपकी कौन है, खलटाही है, लरिया है, ये बाह्यगत भाषा से प्रभावित मानी जाती है। तो इसमें से जो लोधांती है या छत्तीसगढ़ की उपबोली नहीं है, बैगानी कहे और देवार कहे तो जातिगत है, सदरी कहे तो हमारे लिए आपकी जातिगत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ी बोली का प्राचीन नाम क्या है, बस्तरी, कांकोरी, कोसली या अवधी। अवध प्रांत को कौशल राज्य कहते थे और छत्तीसगढ़ कौशल का दक्षिण हिस्सा है, इसलिए इसकी प्राचीन बोली मानी जाती है कोसली को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा, छत्तीसगढ़ी की सहचरी बघनी निम्न में से कौन है, बुंदेली है कि बघेली है कि अवधी है कि ए और बी दोनों। मैंने पहले बताया कि आर्य भाषा पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी का जन्म जो है अवधी और बघेली के साथ में 9वीं सदी में हुआ था, और ये प्रश्न सीजीपीएससी मेंस में भी लगातार 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ की सहचरी बहनों के नाम लिखिए, छत्तीसगढ़ की भगिनी के नाम लिखिए, छत्तीसगढ़ी का जन्म किन सहचरी के साथ में हुआ है। तो छत्तीसगढ़ी का जो भाव है इसमें आपकी आती है आपकी ए और बी दोनों नहीं, आपके ए और बी दोनों नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी कि बघेली और अवधी के साथ में इसका जन्म हुआ है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, अवधी तथा छत्तीसगढ़ी की विशेषता है कि यहां संज्ञा के रूप हैं 2, 3, 4 या 5। अवधी की खासियत है कि यहाँ अवधी भाषा का विशेष प्रभाव, अवधी भाषा में वर्ण अक्षर रूपांतरित हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगी कि यह अवधी जिसकी खासियत हो जाती है कि अवधी भाषा जिसको हम पूर्वी या कोसली के भी नाम से पुकारते हैं, हिंदी साहित्य में मध्यकाल की सबसे बड़ी भाषा रही है। यह अवधी जो अवध प्रांत के साथ साथ कुछ और क्षेत्र में बोली जाती है, इसकी खासियत है, इसकी खासियत है यहाँ संज्ञा के 2 रूप होते हैं, एक होता है लघु स्वरूप, आपके 3 रूप होते हैं इसके, आपके 3 रूप होते हैं, एक होता है लघु स्वरूप, एक होता है दीर्घ स्वरूप और एक होता है अनावश्यक। अब आप कहेंगे कैसे, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में संज्ञा यानी कि किसी भी नाम के 2 रूप में प्रयोग होते हैं। अब कैसे, अगर कहता है कि घोड़ा, ठीक है ना, अगर कहता है घोड़ा, अगर कहता है बूढ़ा, यदि कहता है बघ,
ठीक है ना। अब देखने वाली बात है कि घोड़ा बूढ़ा या बाघ कहता है, इसी तो हमारे अगर वो टूरा कहता है ना। अब यहाँ पर हमारे लिए लघु स्वरूप है, अगर वो घोड़ा से बड़ा है तो उसमें वा प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो पुल्लिंग शब्द में वा प्रत्यय जोड़कर घोड़वा बन जाता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग में ईय प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारे लिए वो घोड़िया हो जाता है। इसलिए बूढ़ा से दीर्घ स्वरूप में बुढ़वा बन जाता है और स्त्री सूचक में हमारे लिए वो बुढ़िया हो जाती है। लेकिन बाघ से बघ जाता है हमारे लिए बघुआ, और इसी प्रकार भालू से भलुआ बन जाता है। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो माँ क्या कहती है, घोड़वा कस बाढ़ गया है तो रनोनिया है कारे, ऐसा माँ बोलती है ना। तो घोड़ा का दीर्घ स्वरूप घोड़वा है और स्त्री सूचक में घोड़िया हो जाती है। और इसी में कुछ अनावश्यक है, अनावश्यक मतलब कि अगर वो टूरा कहता है तो टूरा को टूरवा कहना। अब रुख यानी कि वृक्ष अपने आप में विशालकाय है, अब रुख को हमारे लिए रुखवा कह देना या हार को हरवा कह देना, सोनार को सोनरवा कह देना, फूल को फूलवा कह देना, ये अनावश्यक हो जाते हैं। इसलिए अवधि भाषा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी की खासियत होती है कि अवधि और छत्तीसगढ़ी में यहाँ संज्ञा शब्द तीन प्रकार के हो जाते हैं, लघु स्वरूप में, दीर्घ स्वरूप में और अनावश्यक रूप में। यही तो वजह है कि अगर भाई कहता है तो लघु स्वरूप है और भैया कहता है तो दीर्घ स्वरूप है, नद्य कहता है तो आपके लिए बड़ा स्वरूप है और नदियां कहता है तो छोटा रूप हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में री का री, क का ख, ग और ल का र परिवर्तन किससे प्रभावित है, क्या बघेली से, उड़िया से, मराठी से या अवधि से। तो ध्यान से समझेंगे कि अवधि भाषा की खासियत क्या है। जिस बारे में अवधि के बारे में मैं आपको बता रही हूं, यह अवधि जिसका इस्तेमाल मध्यकाल में साहित्य की सबसे बड़ी भाषा के तौर पर किया गया सगुण और निर्गुण मार्गी के तौर पर, इस अवधि की खासियत है कि अवधि की भाषा में क्षत्रिय क्ष का प्रयोग छ और ख में होता है। जो मैंने आपको तत्सम से जो तद्भव परिवर्तन बताए थे उसमें भी मैंने आपको बेटा बोला था कि तत्सम संस्कृत का रूप है जो दो रूप में बदलता है, एक तो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में और कभी कभी होता है कि लोक भाषा की बोलियों का भी प्रभाव उसमें देखने को मिलता है। इसलिए वर्ण रूपांतरण करते समय हमने उसमें बघेली का और अवधि का टेक्सचर जो है वो देखा था। तो मैंने बताया था कि अवधि भाषा में क्षत्रिय का क्ष छ और ख में बदलता है, इसलिए क्षेत्र से खेत बन जाता है, कुशल क्षेम से कुशल क्षेम बन जाता है, ठीक है, अक्षोट से अखरोट बन जाता है, इसी प्रकार क्षण से क्षण बन जाता है। तो जब हम अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं ना क्षण क्षण, तो छत्तीसगढ़ी में क्षण क्षण कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ शक्कर का श जो सरोते के समय बदलता है, तभी तो शाक से साग बन जाता है, शोक से सोग बन जाता है, श्वेत से सफेद बन जाता है, श्यामल से सांवला हो जाता है। षटकोण का श जो हमारे लिए स और ख दोनों में बदलता है, इसलिए छत्तीसगढ़ी में अगर वर्षा कहता है तो बरखा हो जाता है, दोष कहता है तो दोख हो जाता है, भाषा से भाषा बन जाता है और षष्ठी से हमारे लिए छठी बन जाता है, षष्ठी से छठी बन जाता है। यहाँ खासियत है लट्टू के ल का रस्सी के र में परिवर्तन हो जाना, इसलिए होली से होरी, दिवाली से देवारी, फल से फर, दाल से दार, बबूल से बम्बरी बन जाता है, तलवार से तरवार बन जाता है और ललाट से लीलार बन जाता है। अवधि की खासियत की वजह से कबूतर का क जो ग में बदलता है तो प्रकट न कहकर प्रगट कहते हैं। इसी प्रकार अगर शाक कहता है तो साग कहते हैं, शोक कहता है तो सोग हो जाता है। यहाँ संयुक्त अक्षर टूट जाते हैं, तर में बदलता है तो चरित्र से चरित्र, नक्षत्र से नखत बन जाता है या फिर नक्षत्र बन जाता है, पत्र से पतर बन जाता है या पत्र से पत्ता हो जाता है। आरएफ वर्ण टूट जाते हैं, इसलिए धर्म से हमारे लिए धर्म हो जाता है और भ्रम से हमारे लिए भ्रम हो जाता है। ये अवधि भाषा की खासियत है कि यहाँ पर हमारे लिए वर्ण अक्षर हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो अवधि में जो अ का प्रयोग है वो अवधि में अई हो जाता है, तभी तो छत्तीसगढ़ी में थोड़ा बैठ लीजिए कहते हैं तो थोकन बैठना बोला जाता है, तो पैसा को पैसा, कैसा को कैसा, ऐसा को ऐसा कहा जाता है, तो ऐसन वैसन जैसन तैसन कहते हैं, तो बिहार के भोजपुरी का प्रभाव, लेकिन अ का प्रयोग जो है वो अई में किया जाता है। इसी प्रकार हमारे वर्ण अक्षर का परिवर्तन होता है कि अवधि में जो हम कारक रचना प्रयोग कर देना इसमें उसमें,
तो छत्तीसगढ़ी में अवधि के प्रभाव में हम माँ का प्रयोग करते हैं, इसलिए एम्मा ओम्मा जेम्मा तेमा का प्रयोग जो है वो किया जाता है, जिसमें पश्चिमी हिंदी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जो मोर तोर हमर एकर ओकर कह रहे हैं यह भी अवधि भाषा से प्रभावित माना जाता है। संबंध सूचक के शब्द के तौर पर हम का के की लगाते हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हम कर और के का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह देखा जाए तो हम जो भूतकालिक प्रयोग है कि गाया गया खाया लिखा कहते, तो यहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग करते, तभी तो खाइस लिखिस कहिस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो पाया से हम पाइस कहने लगते हैं, और सारे प्रयोग है जहां इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। इसी में होता है ऋषि का री, ये ऋषि का री जो इस रूप में लिखा जाता है, इसलिए ऋग्वेद नहीं बल्कि ऋग्वेद कहते, ऋतु नहीं बल्कि ऋतु कहा जाता है, ठीक है ना, ऋचा नहीं बल्कि ऋचा कहा जाता है। संयुक्त अक्षर के टूटने से जो श्रीमान जी का श्र है वो सर में बदलता है, तभी तो आप श्रीपुर ना कह श्रीपुर ना कहकर सिरपुर के नाम से पुकारने लगते हैं। तो श्रीपुर ना कहकर सिरपुर कहते हैं, श्रीमान ना कहकर श्रीमान कहते हैं, और मिश्रा ना कहकर मिसिरा कहा जाता है। जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर सारे वर्ण अक्षर में कभी कभी सात दिन न कहकर सात दिन हो जाता है, और यहाँ पर हमारे प्रयोग जो है वो वर्ण अक्षर से रूपांतरित होते हैं। तो ये अवधि का प्रभाव है। अब अगर इसी में बघेली का प्रभाव कहता है, तो बघेल खंड का वो हिस्सा जिस पर बुंदेली और बघेली का प्रभाव है, तो ये बुंदेली यानी कि जो चंबल यमुना जबलपुर रीवा सीधी के बीच का प्रदेश माना जाता है, तो बुंदेली के चारों ओर ब्रज और कन्नौजी मालवी और महाराष्ट्र का प्रभाव देखने को मिलता है। और जो बघेल खंड है उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ऐसा क्षेत्र जिसमें बघेली का प्रभाव है, तो बघेल राजाओं का केंद्र स्थल रीवा, इसलिए इसे रीवाणी या रीवाई भी कहते हैं, रीवा सतना कहा जाए। इसी प्रकार अगर देखा जाए सीधी जबलपुर मंडला बालाघाट शहडोल बांदा फतेहपुर अगर कहा जाए, तो यहाँ पर हमारे लिए हमीदपुर यहाँ बघेली के प्रभाव देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र बोली का प्रमाण कर इसे अवधि और दक्षिणी शाखा मानी जाती है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका आदर्श रूप है जो रीवा में होती है। अब बघेली के प्रभाव से यहाँ य का परिवर्तन जो है ज में हो जाता है, इसलिए यशोदा से जसोदा और यजमान से जजमान हो जाता है, सूर्य से सूरज बन जाता है, ठीक है ना, और यज्ञ से जग बन जाता है। वचन का वह जो ब में बदल जाता है, तो विचार से विचार वर्षा से वर्षा बन जाती है, और वियोग से वियोग बन जाता है, विष से बिख बन जाता है। जब ग और ह का प्रयोग करते हैं तब तो हमारे लिए घ बन जाता है, इसलिए ज ग ह न कहकर ए जगह ओ जगह का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसी तरह जो हम ओ है उसका उच्चारण वा करने लगते हैं, इसलिए अगर वो तोर कहता है तो हम वहां पर वा का उच्चारण करते हैं, तो तोर से त्वार हो जाता है, मोर से मुआर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत हम यहाँ पर ओ और ए का परिवर्तन या में कर देते हैं, कि जो मोर से मुआर बन जाता है और उसी प्रकार तोर से त्वार बन जाता है, ये आगे बघेली का प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो निजवाचक के तौर पर हम जो आपस कहते हैं, तो अवधि और बघेली के अंतर्गत इस आपस का एक रूप है जो आपुस बन जाता है। इसी प्रकार बघेली के अंतर्गत निजवाचक का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन अवधि भाषा में आपस को आपुस कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में आदर देने के लिए तुम शब्द के जगह में तुम्हर तुम्हार है ना, और तू ऐसे शब्द का प्रयोग जो है वो आदर सूचक के तौर पर होता है। और बहुवचन बनाने के लिए आप मन जैसे शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सर्वनामिक शब्द हैं जो अवधि और बघेली से मिश्रित माने जाते हैं। और इसी तरह देखा जाए तो अवधि के ओ अवधि में मिलता है, परंतु बहुवचन तौर पे उसका बदल दिया जाता है। और इस तरह देखा जाए तो यदि वो हमारे लिए तालाब कहता है हिंदी भाषा में, है ना, तो यहाँ पर हमारे लिए तालाब और हमारे लिए तलाऊ दोनों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो तालाब यदि हमारे लिए हिंदी शब्द है, और इसी रूप में अगर हम कहते हैं आपकी अवधि में तो तालाब कहते हैं, और बघेली में इसे तलाऊ कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ी में इसी को तरिया कहते हैं, और तरिया के साथ में तालाब में जाबो तलाऊ में नहाए बर जाबो इसका उच्चारण होता है। जो हम और कहते हैं, हम जो और शब्द कहते हैं हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में अवधि से प्रभावित औ का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। साथ ही देखा जाए तो सब छत्तीसगढ़ी में और के बदले में हम औ का प्रयोग करते हैं, इसका अवधि रूप में और का इस्तेमाल होता है, और बघेली में इसे आऊ कहा जाता है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ी भाषा में अवधि और बघेली दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम जो कहते हैं,
है ना, जो जाना चाहते जो जा सकते थे। इसी जो के लिए छत्तीसगढ़ी में हम जे और जोन का प्रयोग करते हैं, तो अवधि भाषा में जे और जवन का प्रयोग करते हैं, और इसी प्रकार बघेली में जौन कहा जाता है। इसी रूप में अगर हम कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि कहते हैं वहां, तो वहां पर हम जब कह रहे तो उसे हुआ या यहाँ का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जब हम पेड़ कहते हैं हिंदी भाषा में, तो पेड़ को छत्तीसगढ़ी भाषा में रुख कहा जाता है, और हिंदी भाषा के इस पेड़ को अवधि में हम पेड़ के नाम से पुकारते, लेकिन छत्तीसगढ़ी में हम एक शब्द बघेली से ले आते हैं जहां इसे बिरवा कहा जाता है। तो बिरवा मतलब तुलसी का पौधा, लेकिन बघेलखंडी में पेड़ को भी बिरवा कहा जाता है, वृक्ष को बिरवा के नाम से पुकारते हैं। तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत अलग अलग नाम में पेड़ कहते हैं, रुख कहते हैं, बिरवा कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ने क्या पूछा था, प्रश्न ने कहा था कि प्रश्न के अंतर्गत क्या पूछा गया था, प्रश्न में कहा था कि छत्तीसगढ़ी भाषा में री का री, क का ग तथा ल का र किसमें परिवर्तन होता है, तो यह अवधि से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, यादव का अपभ्रंशित रूप जादो किस बोली के प्रभाव का परिश्रम है, अवधि बघेली बुंदेली या निमाड़ी। तो मैंने बताया कि बघेलखंडी में हम व का परिवर्तन ब पाते हैं, य का परिवर्तन ज पाते हैं, इसलिए यादव से जादव हो गए, और अंतिम वर्ण व को ओ में परिवर्तन कर दिया तो जादो कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी में कितने भाषा परिवार प्रयोग किए जाते हैं, क्या तीन, क्या चार, पांच या दो। तो छत्तीसगढ़ के अंदर तीन भाषा परिवार मुख्य हैं, पर एक और है, एक है हमारे लिए मुंडा भाषा परिवार, एक है हमारे लिए द्रविड़ भाषा परिवार, एक है हमारे लिए आर्य भाषा परिवार, और साथ में हमारे लिए चौथी भाषा परिवार चीनी तिब्बती को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, छत्तीसगढ़ के भीतर सबसे ज्यादा किस बोली का प्रयोग किया जाता है, क्या हल्बी का, आर्य भाषा का, छत्तीसगढ़ी का या भत्री का। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सबसे ज्यादा जिस भाषा के अंतर्गत बोली का प्रयोग होता है वो है हमारे लिए छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी के बाद में दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्बी का प्रयोग और मैदानी इलाकों में आर्य भाषाओं के प्रयोग देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंडा भाषा परिवार के सदस्य नहीं है कोरकू, नगेसिया, खड़िया या परजी। अब ये परजी जो है यह हमारे लिए आपकी परजी या धुरवी कहलाती है, ठीक है, इसे हम परजा या धुरवा भी कहते हैं, और ये हमारे लिए द्रविड़ भाषा परिवार की सदस्य है। तो अगर हम कहते हैं कि आपका गदबा, खड़िया, कोरकू, मवासी, निहाली, खैरवारी, विदोह, नगेसिया, सौता, मांझी, मंझवार, ये मुंडा भाषा यानी कि आस्ट्रो एशियाटिक आग्रेय आग्नेय भाषा परिवार के सदस्य हैं, और द्रविड़ भाषा में गोड़ समूह है, तब का दोरली, दंडामी, माड़िया, मुड़िया, अबुज माड़िया, और एक है कुड़ुक या उराव, और एक है परजा या धुरवा। तो मुंडा भाषा के सदस्य परजी जो है वो नहीं है। द्रविड़ भाषा में आने वाले सदस्य नहीं है दोरली, माड़िया, खुड़िया या कुड़ुक। तो यहाँ पर खुड़िया जिसे हम खड़िया भी कहेंगे वो आपके मुंडा भाषा परिवार के सदस्य है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, हल्बी और सदरी किस भाषा परिवार की सदस्य है, क्या मुंडा भाषा में आती हैं, कि द्रविड़ भाषा में आती हैं, कि भारोपीय में आती हैं, कि आर्य भाषा में। मुंडा भाषा परिवार और भारोपी और द्रविड़ को छोड़कर देखा जाए तो ये आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। क्यों आती है आर्य भाषा के अंतर्गत, क्योंकि ये सदरी, कोरवा और हल्बी हैं जो यहाँ हमेशा से निवासरत, सबसे प्राचीन अगर रूप देखा जाए तो यहाँ पर हमेशा से विद्यमान है, इसलिए हल्बी और सदरी जो है आपकी आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास क्रम है संस्कृत के बाद पाली, के बाद प्राकृत, के बाद अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी, फिर पूर्वी हिंदी है, कि शौर सैनी मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश या छत्तीसगढ़ी है, कि पाली, प्राकृत, अर्धमागधी, अवधि और छत्तीसगढ़ी है, कि पाली, अपभ्रंश, अवधि, बघेली या छत्तीसगढ़ी है। इनमें से कौन है जो इसके उचित रूप में विकास क्रम है, तो सबसे पहली हमारी आर्य भाषा है संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश में पश्चिम की ओर शौरसेनी, पूर्व की ओर मागधी के मध्य का क्षेत्र बना हमारे लिए अर्धमागधी। अर्धमागधी ने जन्म दिया किसको, पूर्वी हिंदी को, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि और बघेली से मिश्रित हमारी है आपकी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। आई बात समझ में, तो हमारे लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पूर्वी हिंदी के बोलियों का संबंध अर्धमागधी से मानने वाले निम्न में से कौन है, क्या ये ग्रियर्सन है,
कि बाबू राम है, कि सुदेव चटर्जी है, कि उदय नारायण तिवारी है। छत्तीसगढ़ी का उद्भव पूर्वी हिंदी से माना जाता है। छत्तीसगढ़ी का जो उद्भव है वो पूर्वी हिंदी से माना जाता है, तो इसके पीछे कहने वाली बात हो जाती है कि पूर्वी हिंदी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ी में एक जनगणना के अनुसार देखा जाए तो आपके सर जॉर्ज ग्रियर्सन है वो कहते हैं कि अवध और संयुक्त राज्य होते हुए उत्तर यानी कि अवध और आगरा जहां इसका प्रयोग होता था, तो जबलपुर मंडला होते हुए जो व्यक्ति इस राज्य में शरणागत हुए उनके द्वारा पूर्वी हिंदी के प्रभाव से बघेली का प्रभाव और उधर अवध से अवधी का प्रभाव इस राज्य में शरण आपकी स्थापित हुए। और जब उस समय रतनपुर में हैहय वंशी शासक थे तो उन्होंने इसे राह दिखाई और अन्य खूबियों की वजह से ये पल्लवित होती गई, बनती और विकसित होती गई, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ी बोली के नाम से पुकारा गया। तो पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियों में अगर देखा जाए तो इसके लिए भाषाविदों के अपने अपने और विचार जो है वो रहे हैं। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन है, इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी का एक विकसित रूप है। इसका संबंध अर्धमागधी से उनके द्वारा माना गया है, परंतु इसकी अवधि से उत्पत्ति में जो बाबू रेवाराम सक्सेना है उनका थोड़ा अलग से कहना है कि वो कहते हैं कि पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी से ज्यादा पाली भाषा से प्रभावित माना जाएगा, यह पाली जो मागधी कहलाती है। उसी प्रकार सक्सेना जी के मत का विचार विमर्श करते हुए उदय नारायण तिवारी कहते हैं कि इसमें कठिनाइयां हैं क्योंकि उनके अनुसार इस पर हालांकि आपकी अवधि का प्रभाव तो पड़ा है परंतु अर्धमागधी में जितना मागधीपन देखने को मिलता है उतना अवधि में पाली से ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर उदय नारायण तिवारी का कहना है कि अर्धमागधी में अगर हम मागधी यानी कि पूर्व की मागधी का प्रभाव ज्यादा देखते हैं तो उतना ही अवधि जो है वो पाली भाषा से ज्यादा देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर पूर्वी हिंदी की बोलियों का संबंध अर्धमागधी से मानने वाले हैं डॉक्टर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन, आर्य भाषाओं में छत्तीसगढ़ी बोली का स्थान कहाँ है? क्या पश्चिमी हिंदी में है कि पूर्वी हिंदी में है कि बिहारी हिंदी में है या इनमें से कोई नहीं? जब हिंदी का वर्गीकरण किया गया, आर्य भाषा हिंदी का वर्गीकरण किए गए तो 5 वर्ग में बांटा गया। एक थी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमने कितना बांटा, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ोती, ढूंढारी, जाड़साई, बागड़ी, ये आपकी राजस्थानी हिंदी में थी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायुनी, नेपाली, हिमाचली, मंडियाली रही। बिहारी हिंदी में हमारे रही भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसी तरह पूर्वी हिंदी में थी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में क्या थी? पश्चिमी हिंदी के अंदर ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी रही। तो आर्य भाषाओं में छत्तीसगढ़ी का स्थान पूर्वी हिंदी में आता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली में व का परिवर्तन ब और य का परिवर्तन ज किस बोली से प्रभावित है? क्या अवधि से, बघेली से, मगही से या उराव से? तो इसमें आएगा आपका बघेली। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? दक्षिण दहिने रहे तिलंगा, उत्तर मांझी होए कटंगा, मांझ रतनपुर सोह द्वारा, झारखंड ये बाएं पहारा। निम्न पंक्ति किनके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जायसी, गोपाल प्रसाद मिश्र, बाबू रेवाराम या मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय। इसके नामकरण को लेकर सबसे पहला प्रमाण मिलता है वाल्मीकि कृत रामायण में, जहां उत्तर यानी कि अवध को उत्तर कौशल और दक्षिण को दक्षिण कौशल के नाम से पुकारा जाता था। रघुवंश सार में भी इस राज्य को कौशल राज्य के नाम से पुकारा गया। हरिवंश पुराण देखें या महाभारत की कथाओं को देखें, उसमें भी इस राज्य को कौशल के नाम से पुकारा गया था। करनिंघम के द्वारा कहा गया कि उत्तर से दक्षिण विस्तृत भूभाग होने की वजह से इसे महा की उपाधि से विभूषित किया और यह महाकौशल के नाम से पुकारा जाता है। तो 1510 में मलिक मोहम्मद जायसी ने जब पद्मावत की रचना करी थी तो उनके श्लोक में इस राज्य के राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है कि दक्षिण दाहिने रहे तिलंगा, उत्तर मांझी होए कटंगा, मांझ रतनपुर सौह द्वारा, झारखंड ये बाएं पहारा। ये लिखा गया था आपके किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1510 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तीन में दक्षिण कोसल देशा, जहां अरि औतु केसरी बेसा, तासो मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनिमन भावन। निम्न पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? क्या यह हीरालाल काव्योपाध्याय है, क्या गोपाल मिश्र है, मलिक मोहम्मद जायसी है या बाबू रेवाराम है?
तो इसके जो उत्तर है वो है हमारे लिए बाबू रेवरम। तो 1896 में जब इन्होंने विक्रम विलास की रचना की, 1896 में इनके द्वारा विक्रम विलास की रचना की गई, उसके अंतर्गत इनके द्वारा इसका प्रयोग जो है वो किया गया था। उसी प्रकार गोपाल मिश्र जिन्होंने खूब तमाशा की रचना की थी, गोपाल मिश्र जिन्होंने 1886 में खूब तमाशा की रचना की थी, तो गोपाल मिश्र लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ गाढ़े बढ़ा जहां गढ़ोई जानी, सेवा स्वामीन को रहे सकई को एंड को मानी। तो 1686 में 1686 में खूब तमाशा में गोपाल मिश्र ने भी इस राज्य का उल्लेख किया। 1510 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इस राज्य का उल्लेख था, और विक्रम विलास की रचना जब 1896 में बाबू रेवराम ने की, तो उनकी पंक्तियों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इस तरह आज के इस एमसीक्यू के माध्यम से मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा के शुरुआती हिस्सों को कंप्लीट करवाया, यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, इसका नामकरण कैसे पड़ा, और पूर्वी हिंदी के प्रभाव से इसमें वर्ण अक्षर कैसे रूपांतरित होते। आने वाले वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती है, कितने वर्ग में उसे बांटा गया है, राजभाषा आयोग क्या है, छत्तीसगढ़ में कौन सी लिपि प्रयोग होती है, इससे संबंधित एमसीक्यू को जानेंगे। और इन सभी का अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो नीचे लिंक होगा, उस लिंक में जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर डिटेल्स में मालूम हो जाएंगे। मैं एमसीक्यू के थ्रू में टॉपिक कवर कराने की कोशिश करी, मेरा उद्देश्य है जिस तरह मैंने हिंदी भाषा को आपको पूरा कंप्लीट कराया है एमसीक्यू के थ्रू, वैसे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को आपकी राजकीय परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, एमसीक्यू के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको कवर कराने की कोशिश करूंगी। तो आज के लेक्चर वीडियो में केवल इतना ही, आने वाले लेक्चर वीडियो का कीजिए इंतजार। तो मेरे सभी बच्चों को अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।